केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से हमीरपुर में केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन लोकसभा के चीफ व्हिप सांसद अनुराग ठाकुर ने किया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, नगर परिषद हमीरपुर की अध्यक्षा सुलोचना देवी, उपायुक्त डॉ ऋचा वर्मा भी मौजूद रहे। साफ नियत सही विकास के शीर्षक पर लगाई गई 3 दिवसीय इस चित्र प्रदर्शनी में सूचना स्टॉलों के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के अलावा इससे जुड़ी सामग्री भी रखी गई है। इस मौके पर सांसद ने टाउन हॉल में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस मुहिम की सराहना भी की। कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजनाओं को प्रमुखता प्रदर्शित किया गया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 90 विभिन्न क्षेत्र इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, ताकि आम जनता को घर द्वार पर योजनाओं की जानकारी दी जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है और इन प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियां, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर, एक प्रयास है जन जन तक केंद्र की योजनाओं को पहुँचाने का, जागरूक करने का और उनको इन योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने का। केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि देश के हर जिला में, हर पंचायत में, हर उस क्षेत्र में जहां पर जानकारी पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केंद्र की योजनाओं के बारे में और उपलब्धियों के बारे में पता चल सके, एक अनूठा प्रयास है। आज हमीरपुर में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है, मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और हम लगभग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 90 ऐसे कार्यक्रम करवाएंगे जहां जन जन तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएंगे। ऐसी योजनाएं जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है, जैसे उज्ज्वला योजना, 5 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, लगभग 20 करोड़ लोगों को ये इंश्योरेंस मिली है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, लगभग 32 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। और मुद्रा योजना के माध्यम से तो 12 करोड़ लोगों को 7 लाख करोड़ रुपए के लगभग ऋण उपलब्ध हुए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आने वाली हैं, जैसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जिसको नमो केयर भी कहते हैं, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक की इलाज की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। ये अपने आप में एक नई क्रांति है। ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो पहले कभी नहीं आए। सड़कों के निर्माण की बात क्यों ना करें, 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, 27 किलोमीटर बनता है। रेलवे लाइन पहले से दुगनी बनती है। सी पोर्ट, एयरपोर्ट, इन सब की पहले से दुगने से ज़्यादा निर्माण हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, भारत का मान सम्मान देश विदेश में बढ़ा है। लेकिन जानकारी का अभाव कई बार होता है तो उसे योजनाओं का पता नहीं चल पाता, और ये घर घर तक जानकारी पहुंचाने का एक प्रयास किया गया है जो मोदी सरकार ने किया है। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन को संबोधित किया तब कहा था गरीब की, मजदूर की, किसान की, महिला की, इन सबकी ये सरकार होगी, सबका साथ सबका विकास होगा। आज मैं कह सकता हूँ, साफ नीयत सही विकास।